CSIR नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके CSIR नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। Hey guys, my name is Virendra Singh. Once again, welcome to the Smart Learning Academy. आप जुड़े हुए Smart Learning Academy के साथ। मेरा नाम है Virendra Singh and welcome है आप लोगों का इस चैनल पे। मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताने वाला हूँ कि what after gate, गेट के बाद अक्सर स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अगर हम लाइफ साइंस कैंडिडेट्स हैं, हम बायोटेक कैंडिडेट्स हैं, तो क्या करना एग्जैक्टली है। तो आपने गेट का एग्जाम दिया होगा आइदर फॉर आफ्टर B.Tech और M.Tech और MSc। तो गेट का एग्जाम एलिजिबिलिटी B.Tech, M.Tech और MSc के लिए जनरली आपने दिया होगा और कुछ लोग इसके थ्रू PhD करना चाहते होंगे और कुछ लोग M.Tech करना चाहते होंगे। तो जो लोग M.Tech करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि आप कॉमन एडमिशन पोर्टल पे जाके अपने स्कोर, अपने जो डिटेल्स है उनको फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है, अलग अलग इंडिविजुअल IITs के फॉर्म्स होते हैं। तो आपको करना क्या है, कई लोग, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कंफ्यूजन होता है कि स्कोर, रैंक एंड ऑल, ठीक है। सो हमको लगता है कि हमारा इतना रैंक है तो हमको ये IIT, इतना रैंक है तो IIT मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट बी कंफ्यूज। IITs के जो कट ऑफ क्राइटेरियाज होते हैं, दैट इज नॉट रैंक, दैट इज द स्कोर। आपका जो स्कोर है वो उनका कट ऑफ क्राइटेरिया होता है, ठीक है। सो कट ऑफ क्राइटेरिया स्कोर होता है। तो पहली बात तो रैंक पे डिसाइड करना ना सोचे और ये ना सोचे कि आपका अगर बहुत अच्छा रैंक आ गया तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है। अच्छा रैंक से चीजें मैटर नहीं करती, बिकॉज इन द पीजी एडमिशंस लाइक M.Tech एंड PhD, जो लोग भी B.Tech से हैं वो PhD और M.Tech हर दोनों में अप्लाई करें और हर जगह अप्लाई करें जहां जहां एलिजिबल है। आपका स्कोर ही एक्चुअली कट ऑफ होता है। वो कई IITs के स्कोर हाई होते हैं तो आप वहां पे अप्लाई नहीं कर पाते और कई IITs के स्कोर आपके कट ऑफ, आपके स्कोर से थोड़ा सा कम होता है तो आप वहां पे अप्लाई कर देते हैं। तो एवरी इंडिविजुअल IIT हैज देयर ओन कट ऑफ स्कोर फॉर द गेट। अगर आप PhD के लिए भी अप्लाई कर रहे हो या M.Tech के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हर किसी का एक इंडिविजुअल कट ऑफ होता है स्कोर के बेसिस पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, ठीक है। तो रैंक के बेसिस पे नहीं होता, तो कंफ्यूज मत होइए। और अगर आपका स्कोर, जो लोग PhD करना चाहते हैं, अगर 400 प्लस है, मैं यहाँ पे लिस्ट आउट ये नहीं करने वाला हूँ कि आपका इतना स्कोर है तो आपको ये IIT मिल जाएगी, नो, नॉट लाइक दैट, ठीक है। मैं सिंपली आपको बोलूँ कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एंड आई वाज स्कोर्ड 6 AIR, देन उस स्कोर पे भी मैं उस टाइम पे IIT दिल्ली नहीं क्वालिफाई कर पाया था, ठीक है। IIT दिल्ली का जब PhD राउंड था, मैंने उस वक्त PhD राउंड किया था तो मैं नहीं कर पाया था फर्स्ट राउंड में। सो द थिंग इज दैट कि जब आप, रैंक मैटर नहीं करता, ठीक है, आपका स्कोर मैटर करता है। तो इट्स नॉट लाइक कि स्कोर, और स्कोर कंप्लीटली मैटर नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एलिजिबल कराता है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। गेट के स्कोर की वैल्यू समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एलिजिबल कराता है कि आप अपने फॉर्म को फिल अप कर सकें उस वेरियस IITs में जहां जहां भी कट ऑफ क्राइटेरिया आपके स्कोर से कम है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी देता है आपको। फेलोशिप इंस्टीट्यूट अपने साइड से देती है, वो सारा काम अलग होता है। तो आपको करना क्या है, हर एक IIT के वेबसाइट पे जाना है, उनके रिस्पेक्टिव कट ऑफ को देखना है और अगर आपका जो स्कोर है उनके कट ऑफ स्कोर से ज्यादा है तो आप वो फॉर्म फिल करें। उसके बाद डिफरेंट IITs का अपना अपना सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। यही तक बात नहीं खत्म होगी कि आपने भर दिया और आपका रैंक है, स्कोर अच्छा है तो आपको मिल जाएगा, नो, नॉट एट ऑल। उसके बाद जैसे IIT दिल्ली अगर रिटर्न लेता है, फिर इंटरव्यू लेता है, IIT बॉम्बे में भी यही हाल है और कई IITs रिटर्न के बाद इंटरव्यू लेती है, लाइक IIT कानपुर और कई IITs जो होती है जो इंटरव्यूज डायरेक्टली देती है। तो डिपेंड करता है कि हाँ कौन IIT क्या कर रही है। तो आपको करना क्या है, वो उनके ब्रोशर पढ़ने हैं, उसमें क्या प्रोसीजर है, अगर रिटर्न है तो रिटर्न देना पड़ेगा, इवन दो कि आपका 1 रैंक है, 2 रैंक है या 1000 रैंक है, मैटर नहीं करता। फॉर अ सेफ साइड में आपको बता दो, मोस्ट ऑफ द IITs जो होते हैं उनमें 400 प्लस अगर आपका स्कोर है गेट में तो आप मोस्ट ऑफ द IITs के लिए एलिजिबल होते हो। फॉर अ सेफ साइड, अगर आपका 400 प्लस स्कोर है तो आप मोस्ट ऑफ द IITs में एलिजिबल होते हैं। अगर इक्का दुक्का छूट जाए नहीं तो एलिजिबल होते हो। सो आप गेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। इन IITs में आपको उनके वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और उन वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा कि हाँ कट ऑफ कहाँ कहाँ पे आप एलिजिबल हो। ये आप स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हो कि कौन सी आईआईटी का कब फॉर्म आ रहा है, कब उसका लास्ट डेट है। हमने लिस्ट आउट ऑलरेडी किया हुआ है और आगे अपकमिंग आने वाले वीडियोस में मैं ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, हाउ टू राइट एसओपी या हाउ टू राइट रिसर्च प्रपोजल, वो मैं बताने वाला हूँ। तो ये अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा। होप कि आपको समझ में आ गया हो कि व्हाट आफ्टर गेट क्वालिफाई करने के बाद करना क्या है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है और आप एमटेक करना चाहते हो या पीएचडी करना चाहते हो, इट्स योर चॉइस, बट आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू गो फॉर पीएचडी, ठीक है, एंड अप्लाई फॉर द पीएचडी। एंड जो बीटेक के हैं वो एमटेक के लिए भी अप्लाई करें, क्योंकि बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी हर आईआईटी प्रेफर नहीं करती, सम आईआईटीज प्रेफर करती हैं। तो आप एमटेक के लिए भी अप्लाई करें ताकि आपका ईयर गैप ना हो और आप अपीयर करें और इंटरव्यू और कहते हैं कि रिटन क्वालिफाई करें। इंटरव्यू के लिए एक ऑलरेडी वीडियो इसी चैनल पे अपलोडेड है और आगे भी मैं जब जैसे ही ये लॉकडाउन चीजें खत्म होंगी तो मैं एक वीडियो इंटरव्यू पे भी लेके आऊंगा कि स्पेसिफिकली आईआईटीज के इंटरव्यू कैसे क्रैक करने हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द आईआईटीज में मैं अपीयर हो चुका हूँ और मैंने काफी आईआईटीज के इंटरव्यू क्लियर किए हुए, तो मैं वो ट्रिक्स आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ। लेकिन पहले आप लोग अपने फॉर्म्स को फिलअप कर लें और स्कोर अगर 400 प्लस है, जैसा भी है, जितना भी आपका स्कोर है, आप जाइए आईआईटीज पे, देखिए कहाँ कहाँ एलिजिबल है, उनको फिलअप कर लें और कोई गलतियां ना करें, फिलअप कर लें डेट, लास्ट डेट से पहले। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे डिस्कस करेंगे रिसर्च प्रपोजल और एसओपी के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सीएसआईआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके CSIR नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए।